वेलकम टू द इजी कुकिंग चैनल। आज हम सब मिलकर बनाएंगे इस फेस्टिव सीजन पे इंडियन चीज़ केक, जो केक दिखने में तो स्टाइलिश है ही, खाने में भी बहुत यम्मी है, जिसके लिए हमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सो जल्दी से फटाफट देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपना इंडियन चीज़ केक। ये जो हमने रात को बादाम भिगोए थे उसको मैंने सुबह छील कर पानी में डाल दिए हैं। अब हम इसको पेस्ट बनाएंगे। अगर आप रात को भिगोना भूल जाएं तो गर्म पानी में इनको 2 घंटे भिगोकर फिर इनके छिलके उतार कर इसको पेस्ट बना लीजिए। इसको हम बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे, हल्का सा दरदरा रखेंगे। तो इसमें 2 चम्मच पानी डालकर फिर से एक बार इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए हमारा पेस्ट बहुत फाइन नहीं है, दरदरा है। अब हम इसको एक बोल में निकाल लेंगे। अब मैंने ये 2 कप पनीर लिया है। मेरा पनीर घर में ही बने दूध से फटा हुआ है। अगर आप बाज़ार का चाहें तो बाज़ार का भी ले सकते हैं, जिसमें आपको अच्छे से पानी से धोकर 2 गरम चम्मच दूध मिलाकर फिर उसको मैश करना पड़ेगा। घर का पनीर बहुत सॉफ्ट होता है तो उसमें दूध मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अपने इस आलमंड पेस्ट में इस पनीर को डालकर अच्छे से मैश करेंगे। ये मेरा 1 कप आलमंड था और 2 कप अब मैंने इसमें पनीर ले लिया है। अब हम इस पनीर और आलमंड के पेस्ट में शुगर डालेंगे। मैंने 6 टेबल स्पून शुगर इसमें मेजरमेंट करी हुई है, बट आप मैश करने के बाद चक कर देख लीजिए। अगर आपके घर में मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप 1 से 2 चम्मच और डाल सकते हैं। ये मैंने केसर भिगो के रखी हुई है जो हम इसके अंदर मिलाएंगे। ये केसर का कितना प्यारा कलर आया है। अब हम इस केसर को इसके अंदर डाल, थोड़ा सा मैंने गुलाब जल लिया है। ये गुलाब जल हम अपनी केसर वाली कटोरी में घोल कर, ताकि उसका भी जो बचा हुआ रेजिड्यू है वो सारा का सारा इसमें कलर आ जाएगा, और एक भीनी भीनी खुशबू गुलाब जल की वो भी हमारी इसके अंदर अच्छे से बैठ जाएगी। अब हम हाथ से, सॉफ्ट हाथों से इसको नीट कर, हम अपने इस बैटर को 5 से 7 मिनट तक फ्राई पैन में सेक लेंगे। जो भी इसके अंदर मॉइस्चर होगा वो हमारा सिक कर तैयार हो जाएगा। अब ये देखिए भुनते हुए मुझे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब ये कितना प्यारा कलर आया है। मेरी केसर भिगोई हुई ज़्यादा थी क्वांटिटी में, इसलिए ये कलर आया है। आप चाहें तो इसके अंदर गुरुजी की ठंडाई या फिर रूह अफ़ज़ा सिर्फ फ्लेवर के लिए डाल सकते हैं, या कोई भी अपना मनपसंद फूड कलर डाल सकते हैं। अब ये 7-8 मिनट हो चुके हैं पके हुए। अब हम अपने इसमें इलायची मैंने अपनी पीसी हुई रखी हुई है। इलायची इसमें मैंने 1 चम्मच छोटी चम्मच डाल दी है खुशबू के लिए। अब हम अपनी सेकेंड लेयर की तैयारी करेंगे, जिसके लिए हमें मिल्क मेड चाहिए जो इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। बट इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी होममेड मिल्क मेड कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हमें 6 चम्मच पानी चाहिए जो हम अपने पैन पे करेंगे गरम। पानी में मैंने 1/2 कप मिल्क पाउडर डाल लिया है, और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 कप चीनी। चीनी पिसी हुई होनी चाहिए। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि लम्स ना बने। 2 टीस्पून बटर भी डाल देंगे। मैंने ये गैस ऑन नहीं कर रखी है ताकि इसमें लम्स ना बने। पहले अच्छे से इस मिक्सचर को मिला लें और उसके बाद फिर आप अपनी गैस को ऑन कर हार्डली 1/2 मिनट या 40 सेकेंड्स आप इसको चला ले। अब ये आपका तैयार है होममेड मिल्क मेड, जो आप कभी भी किसी भी मिठाई के लिए फटाफट घर पर बना सकते हैं। इस मिल्क मेड को आप चाहें तो 5 से 7 दिन तक फ्रिज में भी रख सकते हैं बनाकर, जो आपका ख़राब नहीं होगा। अब ये मैंने एक बोल में निकाल लिया है।
टेम्परेचर में आ गया है हमारा मिल्क मेड। अब इसमें इसके अंदर हम अपना कोकोनट बूरा मिलाएंगे, 2 कप इसमें डाल लीजिए और इसमें अच्छे से हम इसको मिला लेंगे अपनी लेयर के लिए। अब ये कोकोनट पाउडर मैंने मार्केट वाला लिया है, आप चाहें तो घर के अंदर भी कोकोनट को फ्लेक्स बनाकर उसको कस कर आप अपना बना सकते हैं कोकोनट पाउडर। अब ये हमें मिल्क मेड में इसको अच्छे से मिला लेंगे, थोड़े हार्ड प्रेस कर कर, ताकि मिल्क मेड अच्छे से मिल जाए। अब ये अपनी लेयर्स सब रेडी हो गई है, अब बारी है सेट करने की। तो ये मेरे पास एक स्प्रिंग फॉर्म मोल्ड केक मोल्ड है जिसमें मैं सेट करूँगी। आप चाहें तो ऐसे कुकी कटर में भी सेट कर सकते हैं, इस टाइप से नीचे कोई भी प्लेट रख कर और इसमें अपनी लेयर सेट कर लीजिए। और अगर ये ना भी हो तो नॉर्मल ग्लास का कोई भी वास लें और उसके अंदर आपकी सारी लेयर्स दिख जाएंगी और इसके अंदर आपका सेट हो जाएगा। तो अब हम सेट करने के लिए तैयार हैं। ये हम सबसे पहले अपनी पनीर और बादाम वाली लेयर को अच्छे से प्रेस करके पूरा अच्छे से बिछा लेंगे नीचे लेयर। हल्के हाथों से प्रेस कर कर सब साइड में अच्छे से प्रेस कर दीजिए इसको, ताकि एक लेयर अच्छे से आपकी सेट हो जाए। ये मैंने पिस्ता कतरन जो है बिल्कुल साइडों में मैं इसको बिछा देंगे हम, ताकि जब हम अपनी लेयर निकालेंगे तो इसका बहुत अच्छा लुक आएगा। हम अपनी सेकंड लेयर टॉप करेंगे नारियल वाली। अगर आपको लगता है कि नारियल वाला मिक्सचर थोड़ा सा आपको टाइट है तो आप इसमें 2 चम्मच गरम दूध मिलाकर इसको सॉफ्ट कर लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमें इसको फ्रीज़र में सेट करना है फ्रिज में रखकर, तो उससे कोई ऐसा आपको वो नहीं होगा। बस ये है कि आपकी लेयर्स जो है वो अच्छे से सेट होनी चाहिए। देखिए इसको स्पैचुला के हेल्प से मैं ऊपर से स्मूथ करूंगी। आप चाहें तो कटोरी की भी हेल्प ले सकते हैं या फिर आप स्पून से भी इसको प्रेस कर सकते हैं, ताकि ऊपर वाली जो आपकी लेयर है वो बिल्कुल स्मूथ जैसी लुक आ जाए। अब ये मेरे दोनों लेयर्स सेट हो चुके हैं, इंटरचेंज भी कर सकते हैं। अब हम अपने इस फेवरेट फ्रूट से इसको टॉपिंग करेंगे। मेरे घर में मैंगो लवर्स ज़्यादा हैं तो मैंने मैंगो की टॉपिंग करी है। आप चाहें तो इसमें पाइनएप्पल, लीची, कुछ भी सजा सकते हैं ऊपर टॉप लेयर पे। ये लीजिए हमारी कलरफुल फेस्टिव सीज़न के लिए मिठाई तैयार है, घर पे बनी हुई। अब ये देखिए मैंने हाफ एन आवर इसको सेट कर लिया है फ्रिज के अंदर। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लेयर्स। आपका अगर केक मोल्ड इस टाइप से है तो देखिए ये आप, ये देखिए आपका इंडियन चीज़ केक जिसकी लेयर्स और सब फ्लेवर्स आपको इस फेस्टिव सीज़न पे मजबूर कर देंगे ये बनाने के लिए और सब फैमिली मेम्बर्स को खिलाने के लिए।